हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, ये अच्छा ठीक नहीं है। हम घर से बेघर है, ना हमें रहने का ठिकाना है, ना कुछ नहीं, और ये लोग हमें जाने भी नहीं दे रहे। ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि पूछो मत, ये जोर जबरदस्ती कर रहे हैं हमें नहीं रहना। प्लीज हमें हमारे घर मुंबई पहुंचा दीजिए। प्लीज हम प्रशासन से सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें हमारे घर मुंबई पहुंचा दीजिए, हम बहुत तकलीफ में फंसे हुए हैं। सबसे गंदा ये रतौली गांव के लोग हैं, अच्छे नहीं है। हमारे साथ बहुत जोर जबरदस्ती, जब से आए तब से लेके अब तक हमारे साथ जोर जबरदस्ती हो रही है। प्लीज हमें यहाँ से निकालिए, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारे घर भिजवाइए। प्लीज प्लीज आप किस पर्पज से आए थे? हम मुंबई से आए, मैं ये फिल्म की शूटिंग करने आए थे इश्क दीवाना के लिए। मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ इस पिक्चर की, और हम तीन लेडीज इस मुसीबत में फंसी हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। रोज के इनके झगड़े, जब से ये शूटिंग चालू हुई है तब से ये झगड़े। यहाँ हमारी बदनसीबी भी कि हम इस गाँव में, और लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन होने से हम फंस गए। झगड़ा राणा जी की तरफ से होता, आज तो इनकी तरफ से हद हो गई। सुशील जी और इन्होंने हमें जाने में हमारे बाधा डाला। हम समझते थे बहुत अच्छे इंसान है ये, हमारे जाने की पर रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन इन्होंने हमें जाने से रोका, कहा परमिशन नहीं है, गाड़ी का फोटो निकाल रहे, ये कर रहे। अरे हमें जाने दिया जाए, हमें क्यों रोक रहे आप लोग, हमें हमारे घर जाने दिया जाए। यहाँ पे सुई लगवाए, दवाई दिलवाए, तब जाके सांस में सांस आई, सांस भी नहीं ले पा रही थी थोड़ी देर पहले। सुशील सिंह की तबीयत खराब थी, जिम्मेदार रहेंगे। अगर कुछ हो गया मेरी दीदी को तो इसके जिम्मेदार सुशील जी होंगे, उन्होंने सब कुछ किया है। हमें क्यों नहीं जाने दिया, हम वहाँ से निकल नहीं रहे थे, सिर्फ हम वहाँ बैठे थे कि परमिशन आ जाए तब हम निकलेंगे। उन्होंने मारपीट चालू की मेरे भैया के साथ, मनोज और कुमार पांडे के साथ। क्यों मार? हाँ हाँ बोल रही हैं, छोड़ नहीं बोल पा रही हैं, बहुत तबीयत खराब है, चक्कर आ रहा है। तू बोल ना, तो मैं तो बोल ही रही, परेशान ना हो। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।